एसेंस ऑफ इंडिया, अध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। मैं दिनेश मालविया आज धर्म के विषय में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। एक शब्द में कहें कि धर्म क्या है, तो स्वयं की ओर लौटना ही धर्म है। धर्म परम तत्व को पाने के लिए एक आंतरिक अनुशासन है। धर्म शब्द आज पूरी दुनिया में इस पर बहस छिड़ी हुई है। ऐसा धर्म के सही स्वरूप को ठीक से नहीं समझने के कारण हो रहा है। इसी के चलते धर्म की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह तक लगाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर धर्म है क्या? धर्म का अर्थ अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में जो समानार्थी शब्द मिलते हैं, उनका धर्म शब्द की तुलना में बहुत सीमित और अलग अर्थ है। रिलीजन और मजहब जैसे शब्द इसके समकक्ष नहीं हैं। भारतीय धर्म में इस शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। हमारे जीवन दर्शन में कहा गया है कि धर्म से हीन मनुष्य पशुओं के समान है। हर युग में और हर जगह धर्म को अनेक तरह से परिभाषित और व्याख्यायित करने के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परिभाषा सर्वमान्य और सार्वभौमिक नहीं है। इसकी वजह यह है कि धर्म के तत्व को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। धर्म का तात्विक अर्थ है मूल गुण, यानी एसेंशियल प्रॉपर्टी। उदाहरण के लिए, जैसे अग्नि का मूल गुण है ताप और जल का मूल गुण है शीतलता, यही इनका धर्म है। इसी तरह मनुष्य का मूल गुण उसका शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। विकारों और अन्य कारणों से वह अपने मूल स्वरूप अथवा मूल गुण को भुला बैठा है। अपने सच्चे स्वरूप को फिर से प्राप्त करने में मदद के लिए विश्व भर में अनेक उपाय और मार्ग खोजे गए हैं। संक्षिप्त में, धर्म का तात्विक अर्थ स्वयं की ओर वापिस लौटना है। ये सभी पंथ, विधि, मार्ग और रास्ते हैं। प्रचलित भाषा में इन्हें ही धर्म कहा जाने लगा है। इन धर्मों में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ अनुशासन निर्धारित होते हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अपने मूल स्वरूप अथवा धर्म में स्थित हो सकता है। ये सारी प्रक्रियाएं एक आंतरिक अनुशासन है। धर्म में बाहरी व्यवस्था कायम रखने के लिए भी अनेक तरह के विधि निषेध होते हैं, जिनके फलस्वरूप समाज, देश और विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलती है। सच्चे अर्थों में तो ये सभी धर्म, यानी स्वयं के मूल गुण में अवस्थित होने के रास्ते, मार्ग या पंथ हैं। इस अर्थ में धर्म अपने अपने अनुयायियों को सच्चा और सरल जीवन जीने की ओर प्रेरित करते हैं और उसके लिए उपाय भी बताते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में स्थानीय लोगों की समझ और बौद्धिक क्षमता, मानसिकता, उपलब्ध संसाधनों आदि के आधार पर रीति रिवाज और परंपराएं विकसित होती जाती हैं। ये धर्म नहीं है और न धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन समाज में व्यवस्था तथा उनमें लोगों की आस्था के लिए उन्हें अमूमन धर्म से जोड़ दिया जाता है। जितने भी पंथ या मार्ग हैं, उन्हें सामान्य रूप से धर्म माना जाने लगा है और उसी के अनुरूप उनका नामकरण भी हो गया है। मसलन हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि। भारत में धर्म शब्द का उपयोग अधिकतर कर्तव्य या ड्यूटी के अर्थ में किया जाता है, जैसे माता पिता की सेवा करना संतान का धर्म है, प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है, युद्ध करना सैनिक का धर्म है, अध्ययन करना विद्यार्थी का धर्म है, शिक्षा देना शिक्षक का धर्म है, परिवार का पालन पोषण पिता का धर्म है इत्यादि। धर्म के नाम पर बहुत बार अनर्थ होते जाते हैं। इसका कारण यह है कि हर पंथ का अनुयायी अपने ही पंथ को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन वह अन्य मार्गों
अथवा धर्म को अपने धर्म से नीचा मानने लगता है, तब अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। वह अधिक से अधिक लोगों को अपने पंथ में शामिल करना चाहता है, इसके लिए प्रचार प्रसार करता है, अनेक सही गलत तरीकों को अपनाता है। इस तथाकथित धर्म को देखते हुए ही मार्क्स जैसे विचारक ने धर्म को अफीम कहा। अनेक लोग धर्म और ईश्वर को नहीं मानते, वे नास्तिक होने में गर्व का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो उठते बैठते धर्म को कोसते हैं। वे दुनिया की हर बुराई की जड़ धर्म को ही मानते हैं। कोई इसे विज्ञान का विरोधी बताते हुए इसकी प्रासंगिकता को नकारता है। यह सब कुछ धर्म के तत्व को न समझकर उसके बाहरी रूप को ही धर्म समझने के कारण होता है। धर्म आकाश की तरह अनंत, असीम और उन्मुक्त है। उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोई शब्द उसे पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन सारे संस्थागत धर्म और संप्रदाय इसे सीमित करते हैं। वास्तव में धर्म तो सार्वभौम ही है। इस विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मूल रूप से प्रत्येक आत्मा दिव्य यानी डिवाइन है। बाहरी और आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण कर इस दिव्यता को प्रकट करना अथवा इसे अनुभव करना या इसमें स्थित हो जाना ही सार्वभौम धर्म है। सभी सिद्धांत अथवा कर्मकांड अथवा पुस्तकें आदि सिर्फ इस धर्म का गौण रूप हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम मनुष्य जाति को इस उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां ना वेद हैं, न बाइबिल, न कुरान, परंतु वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय से ही ऐसा संभव हो सकता है। मनुष्य जाति को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि सब धर्म उस धर्म के भिन्न भिन्न रूप हैं जिसे एक मेवा अद्वितीय कहा जाता है। इसलिए मनुष्य उन धर्मों में से अपना मनोनुकूल मार्ग चुन सकता है। वेद में कहा गया है कि एकम सद्वप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत में धर्म के 10 भेद या लक्षण बताए गए हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं। ये लक्षण हैं धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्वता, सत्य और अक्रोध। जितने भी धर्म पंथ हैं उन सभी के सिद्धांत इन्हीं 10 लक्षणों के आसपास निहित हैं। क्षमा यानी दूसरों को माफ कर देना, मार्दव यानी अभिमान रहितता, आर्जव यानी कुटिलता और छल से रहित व्यवहार, शौच यानी आंतरिक और बाहरी पवित्रता, सत्य यानी सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना, संयमी यानी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। सभी धर्मों में यही बातें कुछ अलग अलग तरीके से कही गई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि धर्म के 2 स्तर होते हैं, आध्यात्मिक और व्यावहारिक। आध्यात्मिक रूप को न समझकर अधिकतर लोग व्यावहारिक रूप को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। बाहरी रूप देश, काल और परिस्थिति के अधीन होते हैं। ग्रंथों में जीवन जीने के जो तरीके और नियम निर्धारित किए गए हैं वे उस समय की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ साथ वहाँ के लोगों के बौद्धिक स्तर के आधार पर होते हैं। इनमें समय समय पर बदलाव और सुधार लाने की जरूरत होती है। कल जो बात गलत रही है वह आज सही हो जाती है, कल जो बात गलत थी वह आज सही हो जाती है, कल जो बात सही थी वो आज गलत हो जाती है, कल जो काम करना उचित था वह आज अनुचित हो जाता है। इस प्रकार धर्म के ऊपरी स्वरूप में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। गलती यह होती है कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते या उसमें किसी प्रकार के बदलाव का विरोध करते हैं। हम सैकड़ों हजारों साल पहले जो रीति रिवाज या कर्मकांड निर्धारित किए गए थे उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते हैं, जबकि देश काल परिस्थितियाँ तब की अपेक्षा बदल चुकी हैं। ऐसे में धर्म को लेकर बहुत असमंजस हो गया है। धर्म के आध्यात्मिक और व्यावहारिक स्वरूप में भेद को समझना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। हर एक धर्म का अनुयायी उसमें निर्धारित अनुशासन का पालन करते हुए अपने तात्विक स्वरूप में
पुनः प्रतिष्ठित होने की तरफ आगे बढ़े। धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए सभी धर्म ग्रंथ सहायक हैं, लेकिन ये केवल मार्ग बतला सकते हैं, चलना तो स्वयं को ही पड़ता है। भारत के पास हजारों वर्ष की आध्यात्मिक विरासत है जो यहाँ के ग्रंथों में विभिन्न रूपों में वर्णित और इंगित है। धर्म पुराण चैनल धर्म के वास्तविक स्वरूप और उसकी प्रासंगिकता के संबंध में ऋषि मुनियों और ज्ञानियों द्वारा प्रकाशित ज्ञान के आलोक में इसे आज के संदर्भ में समझने और समझाने का विनम्र प्रयास है। आशा है ईश्वर की कृपा से हमें अपने इस सदप्रयास में अवश्य सफलता मिलेगी। आपका सबका भरपूर प्रतिसाद मिलेगा। सादर नमस्कार। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।